मैं सत्यवीर सिंह, अब हम चौथे अध्याय के मानव विकास के तीसरे भाग में हम किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यौवनारंभ प्यूबर्टी के आसपास किशोर एडोलेसेंट विपरीत लिंगी सदस्यों एवं यौन संबंधी मामलों सेक्सुअल मैटर्स में अधिक रुचि का प्रदर्शन करते हैं। यौन अनुभूतियां यानी सेक्सुअलिटी के प्रति एक नई जागरूकता विकसित होती है। कामुकता सेक्सुअलिटी या यौन सेक्स संबंधी विषयों पर अधिक ध्यान देना अनेक कारणों के कारण होता है, जैसे जैविक परिवर्तनों के प्रति सजगता, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, समकक्षियों पीयर्स माता पिता व समाज द्वारा कामुकता पर अधिक बल देना। यौन सेक्स एक ऐसा विषय है जिस पर माता पिता बच्चों से चर्चा करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा किशोर यानी एडोलेसेंट्स यौन संबंधी मामलों में गोपनीयता बरतने लगते हैं। संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तन कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस, किशोर के विचार अधिक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट तर्कपूर्ण एवं आदर्शवादी होते हैं। किशोर अपने तथा दूसरों के विचारों का तथा दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं इसका मूल्यांकन करने में वे अधिक सक्षम हो जाते हैं। प्याजी के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक विचार फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में किशोर का चिंतन वास्तविक मूर्त अनुभवों एक्चुअल कंक्रीट एक्सपीरियंस से आगे तक विस्तृत हो जाता है। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट जिसमें क्लैरिटी ना हो, होने के अतिरिक्त किशोरों के विचार आदर्शवादी भी होते हैं। समस्या समाधान करने में किशोरों का चिंतन अधिक व्यवस्थित होता है, वे क्रमबद्ध तरीके से समाधान ढूंढते हैं। प्याजे ने इस प्रकार के तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहा। तर्कपूर्ण विचार लॉजिकल थॉट नैतिक तर्कना मॉरल रीजनिंग के विकास को भी प्रभावित करता है। किशोर वैकल्पिक नैतिक संहिता अल्टरनेटिव मॉरल कोड की पहचान करते हैं तथा एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता मॉरल कोड का निश्चय करते हैं। किशोर एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद ईगोसेंट्रिज्म विकसित करते हैं, जैसे एक लड़की जिसके चेहरे पर फुंसियाँ हैं सोचती है कि लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी खराब है। यह विचार उस लड़की को आत्म सचेत यानी सेल्फ कॉन्शियस बना देता है। एक पहचान का निर्माण करना फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, अपने माता पिता से अलग अपनी एक पहचान स्थापित करना किशोरों का एक प्रमुख कार्य है। एक पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया में किशोर अपने माता पिता के साथ तथा स्वयं अपने अंदर द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव कर सकते हैं। एक तरफ किशोर स्वतंत्रता की इच्छा रख सकते हैं और दूसरी तरफ वे इससे डरते भी हैं और अपने माता पिता पर अत्यधिक निर्भरता भी प्रदर्शित करते हैं। आत्मविश्वास एवं असुरक्षा की भावना के बीच
शीघ्रता से परिवर्तित होना इस अवस्था की एक विशिष्टता है। किशोर कभी अपने को बच्चे की तरह समझे जाने की शिकायत करते हैं तो कभी अपने माता पिता पर निर्भर होकर सुख महसूस करते हैं। किशोर अवस्था में पहचान का निर्माण करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहला है इसके अंदर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्य फैमिली एंड सोशल वैल्यूज, सजातीय पृष्ठभूमि एथनिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक स्तर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, समकक्षी यानी पीयर्स तथा माता पिता का किशोरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता वोकेशनल कमिटमेंट किशोरों की पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है, जैसे बड़े होकर आप क्या बनेंगे। कुछ संस्कृतियों में युवाओं को व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि कुछ संस्कृतियों में व्यवसाय चयन के विकल्प नहीं दिए जाते। किशोर अवस्था की कुछ प्रमुख चिंताएं, सम मेजर कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोर अवस्था निश्चित ही एक अति संवेदनशील वल्नरेबल अवधि होती है। किशोर अवस्था में समकक्षियों पीयर ग्रुप का प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। किशोर प्राय ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जिसमें धूम्रपान तथा मादक पदार्थ ड्रग्स शराब अल्कोहल का सेवन करना तथा माता पिता द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना। किशोर इन क्रियाओं का भविष्य में होने वाले प्रभावों का अनुमान नहीं लगाता। अब आता है कि किशोर अवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। अपचार डेलिंक्वेंसी, सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार, विधिक अपराध लीगल ऑफेंसेस तथा आपराधिक कृत्य क्रिमिनल एक्ट सम्मिलित हैं, जैसे विद्यालय से या घर से भाग जाना, चोरी करना या बर्बरतापूर्ण कृत्य वेंडलिज्म अपचार के उदाहरण हैं। अपचार प्राय माता पिता के कम सहयोग, अनुपयुक्त अनुशासन इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन तथा पारिवारिक विवाद से जुड़ा होता है। नंबर दो, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग सब्सटेंस अब्यूज। किशोर अवस्था धूम्रपान मद अल्कोहल व मादक पदार्थों के सेवन के लिए विशिष्ट रूप से अति संवेदनशील होता है, वल्नरेबल होता है। यह पाया गया है कि वे किशोर जो मादक पदार्थों शराब तथा निकोटिन का उपयोग करते हैं वे आवेगशील इम्पल्सिव आक्रामक अग्रेसिव उत्कंठित एंजियस अवसादी डिप्रेसिव जिसके अंदर डिप्रेशन के चांसेस अधिक होते हैं तथा अविश्वसनीय होते हैं। नंबर तीन, आहार ग्रहण संबंधी विकार ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यह एक आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें स्वयं को भूखा रखते हुए दुबला बनने का कठिन प्रयास किया जाता है। दूसरा, बुलिमिया। इस आहार संबंधी विकार में व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने का एक ऐसा प्रारूप अपनाता है जिसमें वह स्वादिष्ट भोजन आवश्यकता से अधिक खाता है और उसके बाद अपने प्रयास से वमन यानी वोमिटिंग करके या विरेचक लैक्सेटिव का प्रयोग करके उसका विरेचन पर्जिंग कर देता है यानी शरीर से बाहर निकाल देता है। अनोरेक्सिया नर्वोसा तथा बुलिमिया मुख्य रूप से महिलाओं के विकार हैं जो शहरी परिवारों में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड।
प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति दायित्वों रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करता है। व्यक्ति परिपक्व मैच्योर स्वावलंबी सेल्फ सपोर्टिंग तथा समाज से जुड़ा होता है। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे विवाह नौकरी बच्चों को जन्म देना आदि के लिए सर्वोपयुक्त यानी बेस्ट समय होता है। उम्र का 20वां वर्ष प्रौढ़ों के विकास के एक नए दौर नोविस फेज को निरूपित करता है। धीरे धीरे निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर एक परिवर्तन उत्पन्न होता है। जीविका एवं कार्य करियर एंड वर्क। उम्र के 20वें से 30वें वर्ष के लोगों के लिए एक जीविका प्राप्त करना व्यवसाय का चयन करना तथा एक जीविका विकसित करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। नई भूमिकाओं एवं दायित्वों का आरंभ भी होता है। विवाह मातर पितृत्व एवं परिवार मैरिज पेरेंटहुड एंड फैमिली। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर युवा वयस्कों यंग एडल्ट्स को दूसरे व्यक्ति को समझना एवं एक दूसरे की पसंद नापसंद एवं रुचि को जानना इत्यादि के प्रति समायोजन करना पड़ता है। माता या पिता बनना युवा वयस्क के जीवन में एक कठिन एवं दबाव में स्ट्रेसफुल संक्रमण होता है। यद्यपि यह सामान्यतः बच्चे के लिए प्रेम की अनुभूति से जुड़ा होता है। अध्यवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन शरीर में परिपक्वता मैच्योरेशनल चेंजेस से संबंधित परिवर्तनों के कारण होते हैं। सभी मध्य आयु के लोग अपनी शारीरिक क्रिया के कुछ पक्षों में ह्रास ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन का अनुभव करते हैं, जैसे दृष्टि कमजोर होना चेहरे की चमक कम होना बालों का सफ़ेद एवं पतला होना वजन में वृद्धि होना आदि ये शारीरिक परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति की स्मृति में भी ह्रास होता है। अगली स्टेज हमारे पास आती है वो है वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज जीवन की आखिरी अवस्था। वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है यह बताना बहुत कठिन है। परंपरागत यानी ट्रेडिशनली रूप से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट जब आदमी की हो जाती है को वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है, परंतु आधुनिक युग में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ रही है तथा वृद्धावस्था का निर्धारण बिंदु भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वृद्धों की चुनौतियाँ चैलेंजेस ऑफ द एजिड सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट विधवापन बीमारी और परिवार में मृत्यु आदि विशिष्ट रूप से राजनीति साहित्य व्यापार कला तथा विज्ञान में वृद्ध लोग हैं जो 70 या उससे भी अधिक उम्र में हैं लेकिन बहुत सक्रिय हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। वृद्धों वयस्कों ओल्डर एडल्ट्स को भी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तथा नई भूमिकाओं जैसे दादा दादी नाना नानी से समायोजन करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक सहयोग तथा अकेलापन दूर करने के लिए वृद्ध वयस्क अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। बच्चों का घर से बाहर जाना वृद्ध लोगों में निराशा एवं अवसाद को उत्पन्न कर सकता है। मृत्यु होने की संभावना विलंबित प्रौढ़ावस्था लेट एडल्टहुड में अधिक होती है, परंतु मृत्यु तो विकास की किसी भी अवस्था में हो सकती है। बच्चों तथा युवकों में दुर्घटना के कारण मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, परंतु वृद्धों में पुरानी बीमारी के कारण
मृत्यु की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार हमने मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को 3 भागों में अध्ययन किया। प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा है ये आपको समझ आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और ये आपको बहुत ही रुचिकर लगा होगा।